तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है। ए स्टोन इज फास्टेन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है और इसका सेंटर वो है और एक स्टोन ये अटैच है, ठीक है। तो घुमाया जा रहा है इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो पूरा का पूरा जो मोशन है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट है, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर तुम टेंशन देखोगे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, अगर तुम इसको निकालने की कोशिश करोगे, तो एक तो तुम्हें पहले से याद हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है मिनिमम, वो होती है आर जी अंडर रूट। तो ये सवाल क्या हो गया, डन हो गया, यही पूछ रहा था, यही आंसर है। एक तो याद हो, अगर याद नहीं है तो फिर क्या करोगे, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स देखो, कौन कौन से फोर्स लगेंगे स्ट्रिंग में उनको देखो सबसे पहले। तो फोर्स अगर देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले वेट एम जी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी। एम जी लग रही है नीचे, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेंशन लग रहा है, टी भी नीचे लग रहा है। तो टेंशन टी प्लस एम जी इस पॉइंट के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर देंगे भाई। किसी भी पॉइंट पे जो नेट फोर्स होता है सेंटर की तरफ, वही सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर, टुवार्ड सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर। हजारों बार यूज होगा सर्कुलर मोशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ से जो टेंशन है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम बी स्क्वायर ओवर आर और माइनस एम जी आ जाएगा, ये वाला जो चीज़ है। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा। अब तुम बात करोगे इसका, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो फॉर मिनिमम स्पीड के लिए टेंशन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए ये कंडीशन तो फुलफिल होगा ही होगा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम बी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एम बी स्क्वायर ओवर आर मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू एम जी। इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड बी ग्रेटर देन एट इक्वल टू आर जी अंडर रूट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अब वो मिनिमम स्पीड पूछा है, तो मिनिमम के लिए कितना आ जाएगा, मिनिमम के लिए इक्विलिटी होल्ड हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इससे कम होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।